स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से एक टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है, इस थ्योरेटिकल पेपर में आप के साथ आज से वन बाय वन सभी टॉपिक का रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। और आज से इस थ्योरेटिकल टॉपिक में हम आपका शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन इससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को नियमित रूप से उन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते जाइए, जैसा कि ये टॉपिक आपको कॉलेज में पहले आपने कर चुके थे, उसके साथ साथ इनका रिवीजन अब आप लोगों के साथ चल रहा है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम मेरे पास आती है, जो स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन से बात करते हैं और वो अपने जिस टॉपिक के बारे में कहते हैं उस टॉपिक को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के भी जिस जिस टॉपिक से जो प्रॉब्लम हो वो मुझे बताते रहिए, और आप घर पर रहकर अपनी स्टडी को करते जाइए और जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, आप ध्यान रखिए इसमें जो जो सेक्शन दिए गए हैं, आप इन सेक्शन को पेपर में डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। सेक्शन जरूर याद रखें। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य रूप से यदि बात करें तो एक ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन सभी पॉइंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर आगे चल के प्रत्येक पॉइंट पर एक पूरा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले अगर बहुत ही संक्षिप्त में बात कर रहे थे कि हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। अगर हम इस बात को एग्जाम्पल के रूप में कहें तो क्या है, उदाहरण के लिए मिस्टर एक्स अपने एक पेन को 5 रुपये में मिस्टर वाई को देने के लिए कहे, और दिनेश अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के उसे स्वीकार कर ले, तो ऐसे ठहराव को अनुबंध कहेंगे। इसका मतलब यहाँ मिस्टर एक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए कहा, वाई ने उसे खरीदने के लिए बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से एक मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट की यदि हम बात करें कि एग्रीमेंट क्या है अंडर सेक्शन 2E, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर
प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। अर्थात इसको एक एग्जाम्पल द्वारा यदि हम समझे तो मिस्टर एक्स अपनी साइकिल वाई को 500 रुपये में बेचने के लिए कहता है और वाई उसे 500 में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये ठहराव है, यहाँ पर जो 500 रुपये हैं जब एक्स अपनी वस्तु 500 रुपये में उन्हें देने के लिए कहता है तो एक्स के लिए 500 रुपये 500 रुपये कंसिडरेशन है और वाई के लिए साइकिल कंसिडरेशन है। तो इसलिए हम कह सकता है प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वह ठहराव कहलाता है। अभी हम इनकी छोटी छोटी एक एक लाइन में अर्थ जान रहे हैं, फिर इनके क्वेश्चन जो कंप्लीट होंगे उसके बारे में बातें करेंगे। अब बात करते हैं वचन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू बी। व्हेन ए पर्सन मेड ए प्रपोजल टू अनदर टू होम प्रपोजल इज मेड इफ प्रपोजल इज असेंट देयर ट्रू, या इन अदर वर्ड वी कैन से ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। वी कैन से इन अदर वर्ड ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। स्वीकृत प्रस्ताव, जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए राम अपनी वस्तु 100 रुपये में श्याम को बेचने के लिए कहता है, श्याम इसे स्वीकार कर लेता है, तो हम ये कहते हैं कि यह स्वीकृत प्रस्ताव है और यह प्रॉमिस बन गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर इन हिंदी। इन हिंदी वी कैन से व्हाट इज प्रस्ताव, प्रपोजल, ऑफर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, व्हेन ए पर्सन मेड ए प्रपोजल और व्हेन ही इज सिग्निफिकेंट टू अनदर टू विलिंगनेस टू डू और to abstain from the doing something, it's called be an offer. We can say in other word, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अपने कार्य किसी कार्य को करने अथवा उससे अलग रहने के संबंध में अपनी इच्छा दूसरे के सामने इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या उससे अलग रहने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करेगा, तो यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव या ऑफर या प्रपोजल रखा गया। इफ ए पर्सन से टू अनदर, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम मेरी वस्तु 1,000 रुपये में करे करोगे, और मैं ये बात इस उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति के सामने कहता हूँ कि दूसरा व्यक्ति इस संबंध में अपनी सहमति देगा, अर्थात वो मेरी वस्तु इतने रुपये में खरीदने के लिए हाँ कर देगा, तो मेरा प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा जाता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार उस पर सहमति दे देगा। तो उदाहरण के लिए यदि मैं ये कहता हूँ कि क्या आप मेरी वस्तु 1,000 रुपये में खरीदोगे, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि मैंने दूसरे व्यक्ति के संबंध में अपना प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा जाता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे फेवर में बात कर दे, अर्थात मैं ये सोचकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि दूसरा व्यक्ति इस पे हाँ करेगा। जैसे कि मैं इस उद्देश्य से बात कर रहा हूँ कि मिस्टर एक्स क्या मेरी वस्तु 1,000 रुपये में खरीद लेगा, तो मैं यहाँ इस
उद्देश्य से प्रस्ताव रख रहा हूँ कि दूसरा व्यक्ति उस पर हाँ कर देगा, तो यह प्रस्ताव या ऑफर कहलाता है। इन अदर सेंस वी कैन से दैट एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एन एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब एक ऑफर स्वीकृत हो जाता है तो वह एग्रीमेंट बन जाता है। एंड हियर इज नेक्स्ट, हियर इज एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एग्रीमेंट, जब एक एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे कि इस गोले में दिखाया गया आपके सामने कि एक एग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन, और इस दोनों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी कैन से ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, परंतु सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन दी गई है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको पूरे क्वेश्चन के रूप में आपको आगे मैं समझाऊंगा, आगे अगली वीडियो में निश्चित रूप से आप प्रॉमिस की बात करें, उस पर पूरा क्वेश्चन होगा, एग्रीमेंट पे क्वेश्चन होगा पूरा, प्रपोजल पे पूरा क्वेश्चन होगा, एक्सेप्टेंस पे भी पूरा क्वेश्चन होगा। तो अभी तो हम छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, फिर इनके मेन क्वेश्चन आपके साथ वन बाय वन डिस्कस होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाई लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि एक एग्रीमेंट जब कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कानून द्वारा प्रवर्तनीय का क्या अर्थ होता है, अर्थात किसी एग्रीमेंट में यदि कानून द्वारा पीड़ित पक्षकार के संबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता हो, या सामान्य रूप से कहें कि किसी एग्रीमेंट में यदि कानून द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता हो तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अब ये आपके सामने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 धारा 10 के अंतर्गत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जब ये सभी एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे तभी वो वैध अनुबंध बन पाता है, यानी कि एक अनुबंध का वैध होना जरूरी है। यदि वह अनुबंध वैध नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए निश्चित रूप से शुरुआती यदि बात करें तो हमने ऑफर की बात करी, सबसे पहले ऑफर रखा जाएगा। ऑफर ही नहीं रखा गया तो आगे निश्चित रूप से बात ही नहीं की, सबसे पहले ऑफर हो, ऑफर को स्वीकृत किया गया हो। यदि कोई ऑफर स्वीकृत नहीं किया जा सकता, यदि किसी ऑफर को स्वीकार नहीं किया जा सकता तो विवेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा आगे चलकर।
तो निश्चित रूप से पहले ऑफर हो, फिर उसको स्वीकृत किया गया, इट इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशन। और यहाँ पर उसमें एक कानूनी संबंध होना भी आवश्यक है। और ये कुछ आपके सामने जो लिए गए हैं विशेषताएं, ये सारी होनी चाहिए। इनमें वन बाय वन ये एक एक टॉपिक है अपने आप में, और इन पे पूरी बात होगी अब आगे। जैसे यहाँ पर एक फ्री कंसेंट भी दिया गया है कि सहमति हो, लेकिन सहमति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि कोई सहमति स्वतंत्र नहीं है तो वह भी अनुबंध नहीं बन पाता। तो सहमति कब कब स्वीकृत होती है, वो कब स्वतंत्र होती है, कब नहीं, इस पर एक क्वेश्चन है। नॉर्मली बात करें, यदि कोई सहमति किसी दबाव के कारण दी गई हो तो वह स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या और ऑब्जेक्ट भी लीगलिटी होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, वो लिखित में भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो बहुत सारी बात है। और निश्चित रूप से जो अनुबंध बना रहे हैं आपस में, वे पक्षकार, दोनों पक्षकार जिनके बीच में अनुबंध होने जा रहा है, तो वे भी कानून की दृष्टि से अयोग्य नहीं होने चाहिए। अयोग्य से मतलब अगर माइनर है तो भी वो योग्य नहीं माना जाएगा, देश का शत्रु है तो वो भी योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये हर क्वेश्चन की हर बातें आपके साथ एक क्वेश्चन पर होगी। तो स्टूडेंट, ये हमने शुरुआती जो छोटे छोटे पॉइंट, अब इन पॉइंटों में जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, ये चार चार नंबर के क्वेश्चन हैं। लेकिन जब टोटल क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएगा, जैसे जस्ट लाइक ए वन क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन इट, तो ये अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 15 मार्क्स का होगा, उस पर डिस्कस करें। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके साथ छोटे छोटे पॉइंट जो डिस्कस किए हैं वो बिजनेस लॉ से लिए गए थे, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जिसका नाम है। पहले इस पेपर का नाम था बिजनेस लॉ, अब है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो स्टूडेंट, आप इसको तैयार कीजिए, और हर अगली वीडियो जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए। और यदि कोई विशेष टॉपिक, कोई थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा, आप उस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, तो मैं वो टॉपिक पूरा दोबारा से रिपीट कर दूंगा। यदि उसकी पहले वीडियो बना के भेजी गई है तो उस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा। तो स्टूडेंट, घर पे रहिए और अपना कार्य करते रहिए। तो ऑल स्टूडेंट, थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।